हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास सिक्स के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सिक्स हमारा डेसिमल्स का चैप्टर है। चैप्टर सिक्स में हम डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसिमल में हम डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम आज चैप्टर सिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स चैप्टर सिक्स डेसिमल। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 में हम डेसिमल्स में सम करना और उसके रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम। देखिए हमें सम करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0.0002, फिर दिया हुआ है 8.34। तो देखिए 8.34 है, सम करना है यानी टोटल प्लस करना है। तो देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए। अब डेसिमल से पहले क्या है 8, और डेसिमल के बाद क्या है 3, 4। अब देखिए 25.08 दिया हुआ है। देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब क्या दिया हुआ है 25 लिख दीजिए। 0.8 दिया हुआ है, तो 0.8। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम ज़ीरो लगा लेंगे। अब देखिए 2 का 2, 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 और 1 4। अब देखिए 8 और 5 13, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33.422। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में देखिए 32 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 0.542। तो देखिए डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम डेसिमल लगा लेंगे। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल से पहले क्या है 0.542। अब आगे देखिए 10.2 दिया हुआ है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखिए 42 का 42, 5 और 2 7, डेसिमल 2314। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42.742। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 25.0.32 और फिर दिया हुआ है 0.008। अब ऐड कर दीजिए 8 और 2 10, 1 कैरी, 3 2 5 4 1 6, 3 और 25 का 25। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 25.360। ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 23.89। देखिए पहले सेम लिख लीजिए, फिर दिया हुआ है 6.002। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है 2.6। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम सीधा ही ऐड कर देंगे 9 to 11। देखिए 23.89 था, ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए देखिए यहाँ 3 डेसिमल का 3 डिजिट है, तो यहाँ 0 लगा देंगे और इधर भी 0। 2 का 2, 9 का 9, 8 और 6 14, 1 कैरी, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाइए, 2 8 6 2 6 8, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32.492। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 0.82, फिर दिया हुआ है 12.25, फिर दिया हुआ है 3 ऐड करना है, तो डेसिमल नहीं दिया हुआ था, यहाँ 0 लगाना है डेसिमल के बाद। अब देखिए 2 और 5 7, 8 और 2 10, 1 कैरी, 3 2 5 4 1 6 और यहाँ 1 का 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 16.07। ये था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 352.38, फिर दिया हुआ है 26.2, फिर दिया हुआ है 35। देखिए यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल के बाद 0 लगा लीजिए। देखिए 8 का 8, 3 और 2 5, 6 और 5 11 to 13, 1 कैरी, 5 to 7 और 1 8 3 11, 1 कैरी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 413.58। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.35, फिर दिया हुआ है 0.5, फिर दिया हुआ है 3.8 दिया हुआ है, तो देखिए फिर दिया हुआ है 12.005। तो देखिए जहाँ कुछ नहीं दिया वहाँ ज़ीरो लगा लीजिए। अब देखिए फाइव का फाइव, ये अनलाइक डेसिमल होती है, इनको हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए 5, 3, 8 और 8, 16 वन कैरी। अब देखिए 2, 3, 5 और 1, 6 और 1 का 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16.655। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 6.032, फिर दिया हुआ है 8.45, फिर दिया हुआ है 16.02। तो देखिए यहाँ डेसी ज़ीरो लगा लीजिए। 2 का 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 वन कैरी, 4 और 1 5, 8 और 6 14 और 6 20 टू कैरी, 2 और 1 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.502। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1, फिर 0.5 दिया हुआ है, फिर 0.007 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2.5, तो ऐड कर लीजिए इन सबको। 7 का 7 0 के 0 5 और 5 10 वन कैरी, 1 और 1 2 2 और 2 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.007। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें सम करना था, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐड करना हमें, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 16.1, फिर दिया हुआ है 1.161। देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे तो आराम से रेंज हो जाएंगे नंबर्स। फिर दिया हुआ है 116, डेसिमल के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ हम ज़ीरो लगा लेते हैं, जा नहीं दिया कुछ। अब 1 का 1 6 का 6 1 और 1 2, फिर डेसिमल 6 1 7 और 6 13 वन कैरी, 1 2 3 और 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 133.261। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 6.6, फिर दिया हुआ है 6.66 और फिर दिया हुआ है 66.666। देखिए जहाँ नहीं दिया हुआ वहाँ ज़ीरो लगा दीजिए। देखिए 6 का 6 6 और 6 12 वन कैरी, 6 6 12 और 6 18 और 1 19 वन कैरी, और 18 और 1 19 वन कैरी, 6 और 1 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 79.926। ये था सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.02, फिर दिया हुआ है 2.202, फिर दिया हुआ है 2.002 और फिर दिया हुआ है 2.0। तो देखिए ऐड कर देंगे आराम से, जहाँ कुछ नहीं दिया वहाँ ज़ीरो लगा लीजिए। देखिए 2 का 2 2 और 2 4, फिर 0 और 2 2 4 2 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.042। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम। देखिए हमें सम करना है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 32.40 रुपीज़, 32.40। अब देखिए फिर दिया हुआ है 16.75 रुपीज़। तो देखिए हम आराम से सम कर सकते हैं, सम में क्या करते हैं ऐड, टोटल करते हैं। देखिए 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी, डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 और 6 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49.15। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 52.75, फिर दिया हुआ है 32.25। तो देखिए इनका सम कर देंगे, देखिए टोटल कर देंगे 5 और 5 10 वन कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 वन कैरी, फिर डेसिमल 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 85 रुपीज़। डेसिमल के बाद जितनी भी ज़ीरो होती है वो क्या हो जाती है हमारी कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 85 रुपीज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 0.82 मीटर, फिर दिया हुआ है 13.5
45 मीटर। तो देखिए आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मीटर का मीटर रख लीजिए, 2 और 5 7, 8 और 4 12, 1 कैरी 3 और 1 4 और 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14.27 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 36.34 मीटर और फिर दिया हुआ है 16 मीटर। तो देखिए अब डेसिमल में कुछ नहीं दिया हुआ, डेसिमल के बाद तो हम ज़ीरो रख लेते हैं। अब 4 3 सेम यही आएगा और 6 और 6 12, 1 कैरी 3 1 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52.34 मीटर, 52.34 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0.054 लीटर, फिर दिया हुआ है 26 लीटर ऐड कर दीजिए। देखिए 26 लीटर ऐड करने हैं तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो रख लेंगे। देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा हमारा आंसर, 26.054 लीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 23.009 केजी और फिर दिया हुआ है 0.006 केजी, फिर दिया हुआ है 2.4 केजी। तो देखिए हम ऐड कर देंगे आसानी से, 9 और 6 15, 1 कैरी 4 का 4 2 और 3 5 और 2 का 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25.415 केजी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच पैटर्न। देखिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, पैटर्न दिया हुआ है हमें। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0.03 और फिर दिया हुआ है 0.05 और फिर दिया हुआ है 0.07। देखिए हमें पैटर्न में साफ साफ नज़र आ रहा है 2 2 का डिफरेंस है, लेकिन 0.02 का देखिए पता कैसे चलेगा, हम सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को डिफरेंस करके देख लेंगे। देखिए 0.05 0.03, तो देखिए माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.02। तो अब हम 0.02 में अगर हम 0.05 ऐड करें तो क्या आएगा, तो देखिए 0.07 क्या आ रहा है, 0.07। तो अब देखिए इस पैटर्न में आगे क्या आएगा हमारा, देखिए 0.09 और दूसरे में करेंगे तो 0.11। नेक्स्ट 3 पैटर्न बताने ना, 0.13, 0.02 ऐड हो रहा है। तो देखिए अब इसमें हम 0.02 को ऐड कर लेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ 0.11, नेक्स्ट दिया हुआ 0.22, फिर दिया हुआ 0.33। अब देखिए इसमें भी पैटर्न साफ साफ नज़र आ रहा है, 11 की टेबल देखिए लग रही है हमें। तो अब क्या आएगा, 0.44, फिर आएगा 0.55 और फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 0.66। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।